फोन दे पास दिंग ही सेड कट टू नॉर्थ मिलविल स्नैक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ अचानक से जॉडी के दिमाग में फोन का ख्याल आता है वह बिल्कुल उस रास्ता से गुजरते हुए जब गुजरता है तो उसको लगता है कि कुछ यही तो जगह नहीं जहाँ पर उसके पापा को सांप ने काटा था कुछ इस तरह का ख्याल उसके दिमाग में आता रहता है ही सेड कट टू द नॉर्थ वो मिलविल को बोलता है यहाँ से आप नॉर्थ ले लीजिए इट वॉज़ अपर यही वो जगह है शायद जहाँ पर पापा को सांप ने काटा था और पापा ने उस हिरणी को मारा था अपनी जान बचाने के लिए और शायद यही वो जगह है जहाँ पर मैंने फोन को देखा था उस हिरन के बच्चे को देखा था सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हेम अचानक से जॉडी को लगता है कि मुझे मिलविल को अपने साथ नहीं रखना चाहिए उसके उसको अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है इफ़ द फ़ोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन मान लेता है यदि वो फ़ोन मर जाता है या फिर उसको नहीं मिलता है तो वो अपने चेहरे का जो डिसअपॉइंटमेंट है जो दुख है वो किसी को दिखाना नहीं चाहता किसी को जताना नहीं चाहता बताना नहीं चाहता कि मेरा चेहरा कितना मतलब उदास है एंड इफ़ द फ़ोन वॉज देर अगर फ़ोन उसको मिल जाता है द मीटिंग वुड बी सो लवली और दोनों का जो मिलन होगा इतना प्यारा होगा इतना खूबसूरत होगा एंड सो सेक्रेट दैट ही कुड नॉट endure टू शेयर इट और इतना बेहतरीन जो उसका माहौल होगा वो उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता साझा नहीं करना चाहता ये जॉडी को लगता है ही सेड इट इज़ नॉट फर नाउ बट द शर्ब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स आई कैन मेक इट ऑन फुट तब जॉडी बोलता है मिलविल को कि अब दूर नहीं है झाड़ियाँ बहुत घनी है घोड़ा शायद अंदर तक नहीं जा सकता क्योंकि उसको चुभ सकती है मैं पैदल जा सकता हूँ बट आई एम अफ्रेड टू लिव यू बॉय सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटेन बाय द स्मैक टू तब मिलविल बोलता है कि बेटा देखो मुझे बहुत डर है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है तुम्हें यहाँ छोड़ने में मान लो तुम यहाँ गुम हो गए या फिर सांप ने तुम्हें काट लिया तो ऐसा मिलविल बोलता है उसको आई विल टेक केयर इट माई टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन इफ़ ही इज़ वॉन्ड ली मी ऑफ राइट हीयर बोलते हैं कि मैं अपना ख्याल रख लूँगा शायद मुझे उसे ढूँढने में उस हिरण के बच्चे को ढूँढने में समय लग जाए मुझे लगता है कि मैं ढूँढ लूँगा मैं यहाँ पर घूम नहीं हूँगा आप मुझे यहाँ छोड़ दीजिए ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ यू नो नॉर्थ ही एंड ईस्ट बोला ठीक है मैं तुम्हें यहाँ छोड़ देता हूँ बिल्कुल तुम आराम से ढूँढना उसको ठीक है तुम यहाँ पर रास्ता को तो नहीं भूलोगे तुमको पता है ना यहाँ से नॉर्थ कहाँ है ईस्ट की इधर है वेस्ट की इधर है सारा डायरेक्शन को मिलविल कन्फर्म करता है सो देट कि जॉडी यहाँ से ना गुम हो जाए ना भटके देर एंड देर द टॉल पाइन मेक्स अंग सो लॉन्ग सो लॉन्ग मिलविल आम अबलाइज बोलता है कि देखिए इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है ईस्ट है वेस्ट है सारा डायरेक्शन को वो कंफर्म करता है ताकि मिलविल को इसका आ, बिल्कुल आ, एहसास हो जाए कि जॉडी यहाँ पर गुम नहीं होगा बोला कि देखिए वो लंबी सी पाइन ट्री है जो यहाँ पर है इस डायरेक्शन को शो करती है ये बहुत लंबी है यहाँ उसके लिए एक माइलस्टोन हो सकता है इस तरह से वो मिलविल को दिलासा दिलाता है कि ओके नाउ आई एम रेडी टू गो देर डोंट वरी बी कूल आमोबलाइज और वो बोलता है कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपने मुझे यहाँ तक छोड़ा ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हुस टू एन देन कट टू द राइट तब क्या होता है कि जॉडी जो होता है वहाँ घोड़ों के टाप की जो आवाज़ होती है उसको ख़त्म होने तक इंतज़ार करता है और उसके बाद वहाँ से राइट लेता है द शब वॉज स्टिल जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पर बहुत घनी हैं ओनली हिज ओन क्रैकलिंग और ट्विक्स साउंडेड द साइलेंस। वहाँ पर इतनी शांति होती है कि जो वो चलता है तो जो उसके पैरों के चलने से जो पत्तों के कुचलने का जो आवाज़ होता है और जो झाड़ियों का जो टहनियाँ इधर उधर होती है उसकी जो आवाज़ होती है सिर्फ वही उसको सुनाई देता है ही वॉन्टेड फॉर एन इंस्टेंट If he had mistaken the direction, उसको लगता है उसको ऐसा आश्चर्य होता है कि मान लो कि अगर एक इंस्टैंड मान लेते हैं कि शायद मैं अगर डायरेक्शन को भूल जाऊँ तो मुझसे गलती हो जाए तो इस तरह का उसके दिमाग में ख्याल आता है देन अ बर्जर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लाप इन टू द एयर तब वहाँ पर बड़े जो गिद्ध टाइप के जो पक्षी होते हैं क्या होता है कि वहाँ से उसके सामने से फ्लैप करते हुए फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ते हैं ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स और क्या होता है कि वहाँ पर बगल में ओक का जो ट्री होता है सारे पक्षी सारे उस तरह के जो गिद्ध हैं पक्षी हैं बजर्ड हैं वहाँ उड़ के उधर के ओर बढ़ते हैं बजर्ड सेट इन अ सर्कल अराउंड द कैरकस ऑफ द डो सारे जो गिद्ध होते हैं एक सर्कल वृताकार तरीके से वो जो हिरणी की जो लाश होती है जो जिसको वो खा रहे होते हैं उसके चारों तरफ गोल गोल कर जब सारे पक्षी बगल में बैठ जाते हैं तो उसको वहाँ बालू पे कुछ बिल्लियों के पैरों के निशान दिखते हैं लेकिन उसके दिमाग में ख्याल आता है जो बड़े बिल्ली यानी कि जो जैसे शेर बाघ चीता कुछ इस तरह का जो जानवर होते हैं उसको बिग कैट्स हम लोग जानते हैं कि उसको बिल्लियों की श्रेणी में रखा जाता है ऐसा मानता है कि अरे वो लोग तो ताज़ा मांस खाते हैं वो लोग तो मरे हुए मांस को तो खाते नहीं तो शायद यहाँ पर वो नहीं होगा उसके दिमाग में से ख्याल आता है दे हैड लिफ्ट द डो टू कैरन बर्ड्स शायद वो खा के यहाँ पर खाली होंगे और उसके जो लाशें जो बची हुई होंगी जो जूठन जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो इन लोगों के लिए छोड़ दिए होंगे ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फ़ोन और वो क्या करता है वहाँ पर घासों को आगे पीछे करके देखता है बोलता है करे हमने तो यहीं पर उस फ़ोन को देखा था इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली अ उसको लगता है अरे कल की ही तो बात है यहाँ पर होना संभव होगा नहीं होगा मतलब उसके दिमाग में बहुत सारा ख्याल आता रहता है द फ़ोन वॉज नॉट देयर जब वो देखता है तो वहाँ पर उसको हिरण का बच्चा नहीं दिखता ही सर्कल द क्लियरिंग वो वहाँ पर जो सारे जो बजट थे जो गिद्ध थे सब सर्कल में बैठते उसको हटाने की कोशिश करता है देर वॉज़ नो साउंड नो साइन कोई आवाज़ नहीं होती कोई चिन्ह नहीं दिखता द बजट्स क्रैक दियर विंग्स इम्पैसन टू रिटर्न टू दियर बिजनेस और जो सारे गिद्ध और जो पक्षी होते हैं जो उस लाश को खा रहे होते हैं वापस से अपने अपने काम में लग जाते हैं मतलब खाने पे लग जाते हैं ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड इमर्ज एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडिंग द सैन फॉर द स्मॉल होफ प्रिंट्स अब क्या होता है यहाँ जॉडी अपना दिमाग का कैलकुलेशन करता है बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है वो वहाँ से हटता है और वहाँ पर जो बालू पे पद चिन्हों के निशान होते हैं जो हुफ उसके खुर के जो निशान होते हैं पैरों के जो निशान होते हैं उसको समझने की कोशिश करता है द नाइट्स रेन हैड वॉश अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बर्जर्ड्स उसको लगता है कि जो रात में बारिश हुई होगी उससे ये सारा जो पैरों का जो निशान है खुर का जो निशान है वो सब खत्म हो गया होगा वाश अवे हो गया होगा यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जॉडी डेंट वॉन्ट मिलविल विद हीम फॉर टू रीजन्स वॉट वर दे जॉडी मिलविल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता उसका दो कारण है वो दोनों कारण क्या था पहला कि अगर जॉडी सोचता है कि अगर फोन ना मिले या फिर मर जाए तो क्या होगा जो उसके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट होगी वो किसी को दिखाना नहीं चाहता उसको अपने दुख को किसी को बताना नहीं चाहता शेयर नहीं करना चाहता या फिर वो फ़ोन उसको मिल जाए तो जो उसकी खुशी होगी जो उसके मिलन की जो घड़ियां होंगी वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता वाई वॉज मिलविल अफ्रेड टू लीव जॉर्डी आलोन मिलविल जॉडी को अकेले छोड़ने में क्यों डर रहा था द रीज़न वॉज़ जॉडी वॉज अ स्मॉल बॉय एंड वो जंगल में अकेले नहीं छोड़ना चाह रहा बिकॉज़ शायद वो इस बात से डर रहा था कि कोई सांप उसको काट ले या फिर वो उस घने जंगल में अपने आप को गुम कर ले दिस वॉज़ द रीज़न अब हम लोग पार्ट थर्ड पढ़ते हैं मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल हिम सो दैट ही टम्बल बैकवर्ड अचानक से क्या होता है जब वो आगे बढ़ता है तो उसको कुछ दिखता है एक फोन दिखता है वो अपने पैरों को थोड़ा पीछे कर कर देखता है द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद